हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। टॉपिक इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी, एपिसोड 2 में। लास्ट एपिसोड में हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन और 2 टाइप्स को कैरी किया। आज के इसमें हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के और बाय बल्बेल्स ट्यूबर्स एंड बाय बर्ड्स बाय सेकेंडरी प्रोटोनिमा, एक और पॉइंट को हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। 8 इज बाई अमाइलम स्टार्स, बाई अमाइलम स्टार्स। इसको क्या बीच में छोड़ नहीं सकता। और ये सारे एग्जांपल्स में हम इसमें एक एग्जांपल कॉमन दे सकते हैं, वो है कारा। डायग्रामेटिकली देखते हैं बाय बल्बिल्स। बल्बिल्स की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इन कारा दैट इज नोडल रीजन, ये हो गया कारा का नोडल रीजन। और इस नोडल रीजन पे हम यहां पे निकाल देते हैं लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेज एंड अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेज। ठीक है, और इन लिमिटेड अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेज के बीच में यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कुछ फूली हुई उभरी हुई संरचनाओं के बारे में। दीज आर नोन एज बल्बिल्स। ये खाद्य पदार्थों से भरी हुई संरचनाएं होती हैं। खाद्य पदार्थों से भरी हुई संरचनाएं होती हैं और इन्हें हम बोलते हैं बाई बल्बिल्स। तो हम इसकी डेफिनेशन में कैसे लिख सकते हैं बाई बल्बिल्स में, कि कारा के ओल्ड स्टेम और लोअर पार्ट जो नीचे के भाग हैं उनके नोडल रीजन्स पर कुछ विशिष्ट स्टार्च कंटेंट्स या रिजर्व फूड मटेरियल युक्त अतिरिक्त अतिवृद्धियों के रूप में विकसित होती हैं। ये बल्ब जैसी फूली हुई जो संरचनाएं हैं इन्हें हम बल्बिल्स कहते हैं। और ये टूटकर जब अलग होती हैं, जब ये थैलस से अलग होती हैं या कभी कभी विषम परिस्थितियों में पूरा का पूरा थैलस ही मिट्टी में दब जाता है, तो ये संरचनाएं जो हैं वो निकल कर एक नए प्लांट्स को डेवलप करने की क्षमता रखती हैं। दूसरा जो हम बात कर रहे हैं वो भी ट्यूबर्स ही है, और ये जो ट्यूबर्स वाली संरचना है ये हम करते हैं किसके द्वारा, ये संरचना जो है बल्बिल्स ये कौन कोड करता है, नोड्स, नोडल रीजन। ट्यूबर्स जो है वो कहाँ होती हैं, राइजोइड्स पर, राइजोइड्स पर। जो बर्ड्स हैं ये भी कहाँ विकसित होती हैं, बर्ड्स भी विकसित होती हैं नोड्स पर, नोडल रीजन्स पे। और अमाइलम स्टार जो है वो बेसल रीजन आधारीय भाग, मतलब जहां पर एरियल ब्रांच और राइजोइड्स आकर मिलते हैं उस जगह पर विकसित होती हैं अमाइलम स्टार्स। ये भी एक तरीके से हम कह सकते हैं नोडल रीजन पर।
तो हम जो बर्ड्स हैं उनको नोडल रीजन पे ले जाने की जगह हम उनको कह सकते हैं एट बेसल, आधारीय भाग में, ठीक है। ये कंद के समान जो राइजोइड्स हैं, राइजोइडियल रीजन जो है वो स्टोरेज करके फूल कर कंद के समान संरचनाओं में अपने आप को क्या कर लेता है, ढाल लेता है। नेक्स्ट पॉइंट इज बर्ड्स। बर्ड्स भी बिल्कुल इसी के समान। अब हम चलते हैं अमाइलम स्टार पे। अमाइलम स्टार के लिए दैट इज नोडल रीजन। और ये नोडल सेल्स जो पेरिफेरल सेल्स है उनके द्वारा बनाई हुई विशिष्ट संरचनाओं के रूप में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। दीज आर प्लेंटी ऑफ स्टार्च। स्टार्च की यहाँ पे प्लेंटी होती है और ये सेल्स जो हैं वो स्टार्च से परिपूर्ण होती हैं। और अनुकूल परिस्थिति आने पर ये अपने रिजर्व फूड मटेरियल के माध्यम से एक नई संतति कोशिका को विकसित करने की क्षमता रखती है। अब हम आते हैं किस पे, प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा के लिए दो डेफिनेशंस आप दिमाग में कंसिडर कीजिए कि प्रोटोनीमाज क्या होती हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा और सेकेंडरी प्रोटोनीमा। प्राइमरी क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है? यदि जर्मिनेशन किससे हो, जर्मिनेशन जो है अगर ऊ स्पोर से, अगर ऊ स्पोर से जर्मिनेशन होता है, नए प्लांट का विकास होता है, अंकुरण, तो उस चीज को बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा। और अगर ऐसा ही जर्मिनेशन ऊ स्पोर के अलावा
किसी कायिक भाग या अतिवृद्धि, कायिक भाग या अतिवृद्धि से अंकुरण होता है। तो इस प्रकार को बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा, अर्थात कारा के अंदर कुछ भाग का एक विशिष्ट संरचना धारण करते हैं और मेन थैलस से अलग हो जाते हैं। उनकी कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है, रिजर्व फूड उनके अंदर प्लेंटी में होता है और ये कोशिका बिल्कुल एक बीजाणु या स्पोर की तरह व्यवहार करते हैं और परिस्थितियां अनुकूल होने पर ये अपने आप को जनन के सक्षम बनाते हैं और इनके जनन करने से जो अंकुरित होकर नया पादप बनता है तो प्रोसेस सेम रहती है, लेकिन अगर वो कायिक भागों से विकसित हो रहा है तो हम उसे कहेंगे सेकेंडरी प्रोटोनीमा, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप ओस्पोर से जर्मिनेट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी प्रोटोनीमा। तो देन आज की क्लास में हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इतना ही पॉइंट था। अब हम नेक्स्ट यहां पे शुरू करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कायिक की जगह हो जाएगा अलैंगिक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गीज अलैंगिक जनन के प्रकार। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या डेफिनेशन दे सकते हैं? सिंपल वे में तो हम यहां पे डेफिनेशन दे सकते हैं कि स्पोर्स बीजाणु द्वारा होने वाला जनन क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है, रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। लेकिन यहां पे अब वेजिटेटिव से और एसेक्सुअल में क्या समानता और क्या असमानता है, इस चीज को भी अगर अपन यहां पे समझें तो हम यहां पे कह सकते हैं कि एक्चुअली में इसमें भी क्या समानता और क्या असमानता है, तो वो ये कि ये भी कायिक भागों द्वारा अनुकूल परिस्थितियों में, संपन्न होता है। तो दोनों में समानता और असमानता की बात करें तो कायिक जनन में हमने क्या लिखा कि कोई भी अनिश्चित कायिक कोशिका द्वारा, लेकिन यहां पे हम क्या लिखेंगे स्टार डाल के, निश्चित निश्चित कायिक कोशिका भाग लेती है, निश्चित
कायिक कोशिका भाग लेती हैं, निश्चित कर सकते हैं या विशिष्ट लिख सकते हैं? निश्चित या विशिष्ट कायिक कोशिका जो है वो इसमें क्या लेती है? भाग लेती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो यहां पे हम बनाएं वो ये है विशिष्ट अलैंगिक जनन संरचना बनती है। ठीक है, जिसको अगर अपन नाम दें तो इसको बोलते हैं बीजाणु धानी, और इन बीजाणु धानियों में जो बनता है, बीजाणु धानी में जो बनता है उसे हम बोलते हैं बीजाणु स्पोरेंजिया, और इनको बोलते हैं हम स्पोर। कायिक जनन में हमने क्या कहा कि अनुकूल परिस्थितियां तो है लेकिन कोई विशिष्ट संरचना नहीं बनती, कोई विशिष्ट जनन संरचना नहीं बनती, लेकिन अगर हम यहाँ पे कहें तो विशिष्ट जनन संरचनाएं बनती हैं और ये विशिष्ट कायिक कोशिकाओं द्वारा बनती है। सभी प्रकार की कायिक कोशिका इसमें भाग नहीं लेती, जबकि ए उसमें अनिश्चित कोशिका भाग ले सकती है। ठीक है, और एक चीज़ और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक तरीके से जो हमको पेपर में नहीं लिखना है लेकिन हमारी नॉलेज के लिए होना चाहिए, इसमें और उसमें क्या अंतर है, ये मैं तुलना कर रहा हूँ लैंगिक जनन से, कि यहाँ पे अगर अपन बात करें तो गैमेट्स अर्थात युग्मक, क्योंकि हम विशिष्ट संरचना की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ रहा है, युग्मक निर्माण व फर्टिलाइजेशन निषेचन प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपस्थित नहीं पाई जाती। इनमें कोई युग्मक निर्माण और लैंगिक जनन के समान कोई फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं पाया जाता। ये है इंट्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स की बात करते हैं, एल्गीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अनेक प्रकार या अनेक विशिष्ट संरचनाएं जिन्हें हम स्पोर्स कहते हैं, तो अलग अलग उनका हम नाम दे सकते हैं। भिन्न प्रकार के स्पोर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एल्गीज में टाइप्स, तो टाइप्स में सबसे पहले जैसे हम लिखें तो हमारा होता है बाई जू स्पोर, बाई जू स्पोर्स। दूसरा हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाई एप्लेनो, ये उधर लिख लेते हैं जिससे हमको दिक्कत नहीं होगी। बाई जू स्पोर्ट्स, बाई एप्लेनो स्पोर्ट्स, बाई हाइफेनो स्पोर्ट्स, बाई अकाइनेट बाई डॉटर कॉलोनी बाई एंडो स्पोर बाई एग्जो स्पोर्स
बाई टेट्रा बाई टेट्रा स्पोर्ट्स बाई कार्पो स्पोर्ट्स, ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स। वो खाली है कमरा, वो ले लो। मतलब जब मेरी कंटिन्यू चल रही है तो क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? वो खाली पड़ा है ना कमरा यार, उसमें ले लो कंटिन्यू, कहाँ दिक्कत आ रही है? मैं तो पिंकी मैम का है। फर्स्ट इज जू स्पोर्ट्स, एप्लानो स्पोर्ट्स, हाइफेनो स्पोर्ट्स, अकाइनीट, डॉटर कॉलोनी, एंडो स्पोर्ट्स, एग्जो स्पोर्ट्स, टेट्रा स्पोर्ट्स, कार्पो स्पोर्ट्स। ऐसे हम अलग अलग लगभग 16-17 स्पोर्ट्स की बात कर सकते हैं जो अलग अलग एल्गीज में पाए जा सकते हैं। सभी स्पोर्ट्स किसी एक एल्गी में नहीं पाए जाते, ये परिस्थितियों पर और एल्गी की जो स्पीसीज है उस पर निर्भर करते हैं। एक एक को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जू स्पोर्ट्स, अगर हम जू स्पोर का नाम यहाँ पे ले रहे हैं, जू स्पोर्ट्स का नाम अगर हम ये ऐड कर रहे हैं तो जू स्पोर्ट्स का मतलब हो गया चल बीजाणु द्वारा, चल बीजाणु द्वारा। चल बीजाणु का मतलब इस प्रकार की जो एल्गीज हैं उन एल्गीज के ऊपर, मतलब जो स्पोर्ट्स हैं उनके ऊपर जीवन काल में 1, 2 या 3 तक फ्लैजिलाज पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो विशेष बातें हैं वो ध्यान रखने की ये है कि ये जो मिलेंगे वो जलीय प्रजाति, जलीय प्रजातियों की जो एल्गीज है ना उनके अंदर ये पाए जाते हैं। जलीय प्रजाति की जो एल्गीज हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं। और दूसरा, इन पर कशाबिकाएं, उपस्थित कशाबिकाएं उपस्थित होती हैं और ये गतिशील होते हैं, अर्थात मोटाइल। ये अपने फ्लैजिलाज के माध्यम से क्या करते हैं, गमन कर सकते हैं, गतिशील होते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स अगर अपन यहाँ पे दें तो एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे कह सकते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल इज क्लेमाइडोमोनास, यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास, ये तो है ही, खैर यूनिसेल्यूलर इसलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो हम ले सकते हैं यूलोथ्रिक्स, क्लियर है। कारा का एग्जाम्पल भी हम इसके अंदर ले सकते हैं जलीय अवस्था में, क्योंकि कारा एक जलीय है। उसके अलावा वाउचेरिया की स्पीसीज, वाउचेरिया हालांकि स्थलीय है लेकिन इसकी कुछ प्रजातियां जलीय भी पाई जाती हैं और ये जनन अनुकूल परिस्थितियों में जल की उपस्थिति में ही करते हैं। ऐसे में वाउचेरिया की जो स्पीसीज है वो यहाँ पे जो जलीय जो स्पीसीज है वो चल बीजाणुओं का निर्माण करती है। यहाँ पे एक वेरिएशन और डाल देते हैं जो कि स्टार डाल के है, न्यू टाइप के लिए या कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल मतलब इम्पॉर्टेंट है, दैट इज सिन जू स्पोर।
ये केवल वाउचेरिया के द्वारा या जैंथोफाइसी के मेंबर्स के द्वारा ही दिखाया जाता है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे संख्या में जू स्पोर्ट्स आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट करके एक गुच्छा या सम्मंडल बना लेते हैं और इनके बहुत सारे फ्लैजिलास बाहर की तरफ निकले हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में ये एक बहुत बड़ा मास, जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल के रूप में डायग्राम बनाएं तो दैट इज क्लेमाइडोमोनास, ये इसके फ्लैजिलास आई स्पॉट, एंड ये हो गया इसके अंदर एक कप शेप का जो है वो क्रोमेटोफोर। और ये हो गया इसके अंदर इसमें आई स्पॉट्स, और ये हो गया फ्लैजिला, और ये हो गया इसमें न्यूक्लियस। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास। और इसी तरीके से हम बहुत सारे और एग्जाम्पल्स दे सकते हैं यूलोथ्रिक्स के, कारा के। लेकिन जैसे वाउचेरिया की हम बात करें तो वाउचेरिया में जो हमारा डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि बहुत सारे जो स्पोर्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ चुके हैं और एक समूहन या समंडल टाइप की संरचना जो है उसको ये बना लेते हैं। और इन्हीं से बहुत सारे फ्लैजिला जो है वो इसमें बाहर की तरफ निकले हुए दिखाई देते हैं और हमें ये एक ऐसा लगता है कि एक बहुत मैक्रो स्पोर है, वृहद मॉलिक्यूल है जिसमें से बहुत सारे क्या निकल रहे हैं, बहुत सारे फ्लैजिलाज, मल्टी फ्लैजिलेट हमको दिखाई देता है, बहुकशाबी की है, जबकि ये बहुत सारे छोटों का मिला हुआ एक मिक्सचर है। उसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे हाइड्रो डिक्ट्रियन ड्रिपलैंड डिओप्सिस क्लेडोफोरा। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे देते हैं बाई एप्लेनोस्पोर्स। एप्लेनो का मतलब हो गया अचल, बीजाणु, अचल बीजाणु। अचल बीजाणुओं के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि ये अधिकांशतः है विषम और शुष्क या स्थलीय प्रजातियों में पाया जाता है। विषम परिस्थितियां और स्थलीय प्रजातियों में पाया जाता है इस टाइप का। दूसरा, इन पे कशाबिकाएं, अनुपस्थित कशाबिकाएं नहीं पाई जाती, और इनमें जो चलन है अचल प्रकार के होते हैं, ये नॉन मोटाइल। इनके हम एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे सकते हैं लाइक कुछ यूलोथ्रिक्स की स्थलीय प्रजातियाँ, वाउचेरिया की स्थलीय प्रजाति, वाउचेरिया की स्थलीय प्रजाति, यूलोथ्रिक्स की स्थलीय प्रजाति, ऐसे हम एग्जाम्पल्स इसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम अलैंगिक जनन की बाकी की विधियों की बात करते हैं।
गलती से मिटा दिया, टेट्रा स्पोर्ट्स